तो हर बार की तरह जैसे कि हम हो चुके हैं लेट, तो ये फटाफट बैठते हैं और इसे वीडियो हेलो गाइज, वेलकम आपका अपने यूट्यूब चैनल फोर व्हील ऑटोमोबाइल्स में। तो गाइज आज है संडे और संडे की शुरुआत करते हैं अपनी स्कॉर्पियो मॉन्स्टर के साथ। गाइज अपनी मॉन्स्टर को करते हैं सबसे पहले आज कोल्ड स्टार्ट। करिए जी, और अभी से थोड़ी देर रहने देते हैं स्टार्ट। और मसला ऐसा है कि आज संडे है, तो आज ग्रुप का फ़ोन भी आया था कि जी ऑफ रोड के लिए जाना है, तो फिलहाल ऑफ रोड के लिए हमारे पास गाड़ी तो कोई है नहीं, क्योंकि अभी ये इनकम्प्लीट है। सफारी स्टॉर्म का भी 4x4 जो है वो नहीं चल रहा है, तो इसलिए अभी समझ नहीं आ रही है। एक तो दिल कर रहा है कि इसको 4x2 में ही ले जाएँ और इसकी 4x2 की टेस्टिंग भी हो जाएगी, तो भी क्या करें यार, मतलब कुछ समझ नहीं आ रहा है। एक तो मौसम भी ख़राब है, पंकज को बुलाया था मैंने, कहा जिसका 4x4 चलाने की कोशिश करते हैं, देखते हैं क्या फॉल्ट है। तो अभी हमारे पास 1-2 घंटे का टाइम है, तो फिलहाल 1-2 घंटे में कोशिश करते हैं इसका 4x4 चलाने की। तो अगर चल जाता है तो सबसे अच्छी बात है, इन केस अगर नहीं चलता है तो तब भी हम इसको ले जाएंगे आज ऑफ रोड पे। तो क्या निकलने की तैयारी हो चुकी है, तो टीम बाकी पहुंच चुकी है ऑफ रोड साइड पे। तो हमारे ड्राइवर साहब आ गए हैं। हाँ जी वीर जी, की हाल है, जा रहे हो पहले ऑफ रोड? तो हर बार की तरह जैसे कि हम हो चुके हैं लेट, तो ये फटाफट बैठते हैं और चलते हैं जी। ठीक है पंकज, जा रहे हैं इसकी टेस्टिंग करने। ठीक है, तो अभी जी हम निकल चुके हैं अपने ऑफ रोड के लिए पहले टेस्ट के लिए, और हमारे साथ आ गए हैं अभी भैया और अरुण भैया। क्या हाल है सर? ठीक हो? तो भैया भी आज हमारे साथ जा रहे हैं, तो अभी देखते हैं वहाँ जाके क्या होता है, क्योंकि 4x4 प्रॉपर चल नहीं रहा है, बट उसको मैनुअल मैंने एंगेज कर दिया है हाई पे, तो बाकी वहाँ जाके ही पता चलेगा क्या होता है क्या नहीं होता है। बट इसे इतना एक्सट्रीम नहीं करने वाले हैं, बट फिलहाल कुछ ना कुछ करेंगे छोटा मोटा। तो अभी जी हम पंकज को भी लेने वापस गए थे, पंकज का कॉल आया था, कह रहा है मेरे को भी ले चलो। ठीक है पंकज, तो पंकज कह रहा है मैं भी देखूंगा कैसा ऑफ रोड करते हो। तो अभी पहुंचे हम बीरपुर वाली लोकेशन पे, तो बाकी टीम का पता नहीं है, अभी वो वापस निकल चुके हैं या अभी वहीं होंगे, तो आगे चल के देखते हैं शायद मिल ही जाए। तो वैसे टीम हमारी मिल चुकी है, हमने मतलब वहाँ से ऊपर से दिख गए थे, तो अभी हमें समझ आ गया कि हमें कौन सी साइड जाना है। तो अभी उस साइड तो गेट बंद है, तो देखते हैं कि कहाँ से गाड़ियाँ गई हैं। मेरे ख्याल से यहाँ से रास्ता है, बट यहाँ से अभी ये 4x2 में जा पाएगी कि नहीं जा पाएगी, तो आते इसका इम्तिहान शुरू हो गया जी। तो मॉन्स्टर हमारी आ रही है, तो मतलब ये इसका पहला अटैम्प्ट है। और इसी चलो चलो चलो, तो जी निकल गई 4x2 में, 4x4 इसका आगे जाके एंगेज करते हैं मैनुअल। तो यहाँ पे सनी भाजी फुल फॉर्म में है, और यहाँ पे लक्की भाजी की गाड़ी फंस गई है, जो आप तक जो देखने को मिल रहा है हमें। तो यहाँ पे जी विंच निकल चुकी है, अभी इसको विंच करने वाले हैं, तो अभी कैसे करेंगे देखते हैं। तो अभी बोनट खोला जा रहा है सेफ्टी के लिए, क्योंकि कई बार क्या होता है कि जो रोप है वो टूट जाती है, अगर टूट के लगेगी तो सीधा शीशे में लगेगी, जो अंदर बैठा है उसका मतलब उसे भी चोट लग सकती है। तो बोनट का क्या है कि अगर नुकसान होगा तो बोनट तक ही होगा, वैसा होगा नहीं और होना भी नहीं चाहिए, तो फिलहाल ये सेफ्टी के लिए है, तो स्लिप होने का रिस्क है। वहाँ से टायर सीधे करने चाहिए मेरे ख्याल से इनको, गाड़ी बिल्कुल सीधी हो गई, टायर सीधे, टायर सीधे कराओ। ठीक है, वेट करो वेट करो, हल्का पुश करो, नहीं गाड़ी गाड़ी आगे आ रही है, क्या यहाँ पे रुकेगी कि नहीं? हाँ ठीक है, आगे आगे जैसे ये रुकी, तो वही चीज़ मैं बता रहा था कि यहाँ पे जब इसके मिट्टी के साथ रुकेगी तो तब फोर्स जो है प्रॉपर लगेगा। तो ऑलमोस्ट आ चुकी है, बट इसूजू पे भी काफ़ी लोड पड़ रहा है, जैसे भैया रुको अभी फिर से जरूरत पड़ सकती है, गलत जा रही है। हाँ फिर गलत जा रही है, नहीं 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 ना ना ना, फिर वहीं आ गई, फिर गाड़ी वहीं आ गई। एक बार ट्राई कर लो आगे, तो गाड़ी अभी यहाँ पे भी जैसे आपने देखा कि नहीं निकलनी थी, और
तो अभी वहाँ पे थार लगाई है, तो टो स्ट्रैप से देखेंगे उसे, खींचेंगे, थोड़ा सा भी पुश मिला इसको तो आगे तो चल जाएगी आराम से। उठा लो टूट जाएंगे नहीं तो, या दब जाएंगे मिट्टी में। चलो तो अभी देखते हैं जी क्या बनता है। वैसे तो उम्मीद पूरी है निकल जाएगी, क्योंकि एक इसके पत्थर उड़ेंगे। हाँ, उम्मीद उम्मीद पे दुनिया का आया मैं। 1 2 3 गो। चलो ठीक है गुड। टायर सीधा करो, टायर सीधे। हाँ ठीक है रेस दो। बस यार गुब्बार, चलो निकल गई। फोन गया था अभी तो, यहाँ पे शक्ल गिर गया गबरू भाई का, तो वो भी निकालने की कोशिश कर रहे हैं। मिल गया। निकल गया जी, थोड़ा जल्दी फड़ी दे, दोबारा चल जाएगा पीछे। तो अभी सनी भाजी क्या है देखते हैं, आगे जाएंगे यहाँ से कि यहीं से वापस जाएंगे। बैक करनी है कि आगे जाना है? खरो मैं करवाता हूँ। आने दो। जाने दो। थोड़ी काटो। दूसरी साइड। नहीं, उस साइड काटो ना, इस तरह थोड़ी आते हो। बस ठीक है। जान दो। आराम नाल गाड़ी स्किट क्या करी। एक सेकंड रुको, थोड़े टायर सीधे करो। हाँ ठीक है, अब जान दो। ठीक है, अपनी साइड देखो। रुको, टायर सीधे। हाँ टायर सीधे करो, ठीक है, अब जान दो। एक तो स्लिप बड़ी कर रही है, स्लिप बड़ी करे कर दी यार। आन दो पीछे थोड़ी, आन दो थोड़ी। जान दो। कट लो के थोड़ी, आन दो के। ठीक है, आराम नाल। थोड़ी बैक कर लो। ठीक है, चलो जी जान दो। तो यही मजा जी यहाँ का। भैया अटेम्प्ट मारना, मार सकते हो, निकाल तो देंगे ही। इस साइड रखो, उस साइड पीछे पत्थर है बहुत बड़ा, इस साइड रखो। आगे जान दो। अपनी साइड देखो, अपनी साइड देख के आन दो प्रेशर नाल। नहीं, गड्डी रहन दो। ये जोश में जो बंदे आ जाते हैं ना, ये थोड़ा काम खराब होता है। ठीक है, कटो ना, उस साइड भी देख के। तो गाड़ी लगने का पूरा उस साइड से रिस्क है, और यहाँ से यहाँ पे फंसने का तो पूरा रिस्क है। थोड़ी अगे जान दो भाजी, थोड़ी अगे जाके ना फिर बिल्कुल फोर्स ना जान दो पीछे। बस गाड़ी देखा कैसे पूरी स्लिप कर रही है। अभी छींटे पड़ने के पूरे चांसेस हैं, मिट्टी में यही दिक्कत है। आन दो फोर से। ठीक है। नहीं, गाड़ी जो स्लिप कर रही है ना, सबसे बड़ी दिक्कत यही है यहाँ पे। देखो टायर कैसे स्पिन कर रहे हैं मिट्टी में, तो यहाँ पे सारा मोशन का खेल है। नहीं ये देखो गाड़ी पूरी घूम रही है ना, नहीं ये देखो गाड़ी पूरी घूम रही है ना 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 नहीं गाड़ी स्लिप कर रही है, बहुत गंदा स्लिप कर रही है। मेरे ख्याल से निकल जाएंगे आगे तो ज्यादा अच्छा है, क्योंकि ये हो नहीं पाएगा, कीचड़ बहुत ज्यादा यहाँ पे। नहीं मानेंगे। अरे उस साइड गाड़ी जो नहीं मानेंगे वो, तो पाजी नहीं मानते भैया।
बस सनी भाजी एक बार उतर के देख लो ठीक है। तो भी सनी भाजी ट्राई करेंगे यहाँ से, जो कि नामुमकिन सा काम है क्योंकि यहाँ पे मिट्टी है, पंपर लगेगा। नहीं 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 रेले से नुकसान हो सकता है, रेले से नुकसान होएगा। पहले धीरे धीरे आने दो, इस साइड आने दो, बैक करके टायर यहाँ पे आने दो पहले। एक अगर गाड़ी चढ़ेगी ना, लाइन क्या है ये, बिल्कुल एग्जैक्ट। पहले धीरे धीरे आने दो, आने दो आने दो आने दो आने दो, ठीक है ठीक है ठीक है। काटो इस साइड काटो, मेरी वाली साइड काटो। हाँ ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, बस यही यही चाहिए, यही छोटाओ करो ट्राई। बस बस नीचे नहीं, नीचे नहीं, बैक करो। आने दो आने दो आने दो, नहीं 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 तो यहाँ से बड़ा मतलब रिस्की जा था, तो अच्छा किया गाड़ी निकाल ली वहां से। तो यहाँ से गाड़ी मतलब मौसम भी क्या और गाड़ी भी क्या लग रही है यार, जबरदस्त। चलो इससे थंबनेल भी आ जाएगा एक। और यहाँ पे ग्रीनरी भी काफी हो गई है और 2 महीने बाद आया है। पहले तो सारा यहाँ पे मिट्टी विट्टी होती थी और अभी तो ग्रीनरी वगैरह काफी है। तो अभी ये 4x2 में ही लाए हैं इसको, तो अभी आज इसके साथ पंखे ज़्यादा लेंगे नहीं क्योंकि हमें पता है अभी 4x4 प्रॉपर चल नहीं रहा है, तो एक बार प्रॉपर सेट करके लाएंगे। फिलहाल इसे 4x2 में लाने का ये रीज़न था कि देख, एक तो हमारा ग्रुप पूरा आया हुआ था, तो वो भी चीज़ थी, इसलिए आए। और साथ में थोड़ी सी चेक भी हो जाती कि कैसी कैसी है। तो अभी क्या डिसाइड हुआ है कि सभी यहाँ से नीचे जा रहे हैं, तो मुझे लग रहा है हमें भी यहीं से नीचे जाना पड़ेगा। तो मतलब ये लोग ऑफ रोड करा के ही प्रॉपर छोड़ेंगे हमसे, ऐसे नहीं छोड़ने वाले हैं। तो अभी ऋषभ भाई जा रहे हैं, तो देखते हैं। मतलब मेरे को यार व्यू देख के इतना मज़ा आ रहा है ना, मतलब 2 महीने के बाद कहीं निकले हैं वर्कशॉप से, तो अच्छा लग रहा है काफ़ी। तो अभी यहाँ देखते हैं ये आराम से आराम से आराम से स्लिप स्लिप बहुत बहुत ज़्यादा स्लिप है यहाँ पे। वो देखो गाड़ी मतलब कहाँ गई है आराम से। ये तो वैसे नहीं मानते। और दूसरी गाड़ी हमारी जा रही है ये यहाँ से, और दूसरी गाड़ी हमारी ये रहेगी तीसरी रेंगलर, चौथी बलेरो, पांचवी सफारी अपनी, सफारी निकल रहा सॉरी स्कॉर्पियो। निकलेगी आराम से निकलेगी, जब ऋषभ भाई की गाड़ी निकलेगी ये तो ये भी निकल जाएगी, बट टर्न थोड़ा सा गलत ले लिया मेरे ख्याल से, अब बैक करना पड़ेगी। गाड़ी लगी है मेरे ख्याल से उस साइड से, आवाज़ तो काफ़ी आई है, देखा कैसे घूम रही है गाड़ी। चलो जी निकल गई। तो अभी तरुण भी आ रहे हैं हमारे महारथी जी। आराम से सीटें मेरे पे नहीं फेंकना, एक बार बैक करके फटाफट काट लो स्टीयरिंग। बस बस नहीं, बैक करो बैक आराम से। तो वहां पे अपनी स्कॉर्पियो भी आ चुकी है जी, बैक करो बैक। खड्डा खड्डा बन रहा टायर का पीछे, अपनी स्कॉर्पियो के लिए सही नहीं है। ठीक है मोशन के साथ खेलेंगे, ठीक है ठीक है। आराम से आराम, पीछे पीछे टायर बैठ गया, पीछे 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 कीचड़ बन चुका है। या अगर उस साइड जा सकते हो तो वहां से खींच के ले आओ फिर बाद में।
टायर नहीं कट सकता ना फिर स्लिप। ऋषभ भाई पीछे जाओ, ऋषभ भाई पीछे जाओ पीछे। यार हमें भी रिस्क है थोड़ा सा। ठीक है पीछे जान दो, मुड़ी है गाड़ी, जान दो पीछे पीछे, वैसे रखे टायर वैसे रखो, आगे आन दो, जान दो पीछे, जान दो पीछे, जान दो पीछे, जाना कहाँ जाता है। तो यहाँ देखो मतलब कितना गारा हो चुका है और टायर यहीं से दिक्कत कर रहा है। तो अभी तरुण भाई बाहर ही आ गए हैं जी। तो भी पूरा मोयना मोयना चल रहा है पूरा। ओ दिख भी आराम से, लगा कख भी नहीं बहुत हुई खाली गारा। तू इधर ठीक करते हो उधर चली जंदी, उधर ठीक करते हो इधर आई जंदी। तो अभी डिग्गी भैया बैठ चुके हैं गाड़ी में, तो अभी आप लोगों को बोलने की जरूरत नहीं है कि क्या होने वाला है। अभी ये खेलेंगे गाड़ी से, और एक हमारी गाड़ी उधर से वापस जा रही है। क्या कर रही है ये? हाँ ठीक है। डिग्गी भैया वैसे ही ये गाड़ी घूम जा रही है ना, वो काम खराब करने वाले। इतनी मेहनत से गाड़ी थोड़ी उधर जाती है, साथ में ही एक गलत कट से फिर वापस आ जा रही है। फिर कल ज्यादा थोड़ा फोर्स और देंगे ना, गाड़ी घूम रही है। फंस गई अगली गलत जगह, बस थोड़ा सा ही यार, थोड़ा सा ही फर्क है भैया, मोशन से ही आएगी, मोशन से। हाँ बस लास्ट मेरे ख्याल से लास्ट है ये, बस चली गई थी आराम से आगे स्लिप है ज़्यादा। आन दो आराम से, आन दो इस साइड रखना, इस साइड ठीक है, इस साइड ठीक है आराम से, बिल्कुल आराम से, इस साइड बिल्कुल नहीं, इस साइड अपने आप मुड़ेगा, थोड़ा ध्यान अपने आप मुड़ेगा। एक किलो का करना भैया, मेरा स्टीयरिंग मुड़ गया था ना यहाँ पे, तभी बोल रहा भैया सीधा, मेरे ख्याल से सीधा रखोगे टायर तो ज्यादा सही है, सीधा रखो, सीधा रखो टायर, सीधा हाँ, आराम से टायर सीधा ही रखो हाँ ठीक है, आने दो ठीक है, बहुत अच्छे ठीक है, आराम से ठीक है काट लो धीरे धीरे। हाँ चलाया, अभी मैनुअल चलाया ना, पूरा वो चल रहा है यार, आराम से टच कर रहा है आराम से, के जी यार क्या, थोड़ी बैक कर ले बैक, ज्यादा जोर नहीं मार तीन इंच और मांग रही है अभी टायर के हिसाब से। एक मिनट तो यहाँ से क्या है कि फ्लेक्स की वजह से टायर पूरा बॉडी के साथ टच कर रहा है, उस साइड रखो पीछे। हाँ मजा आ रहा है, मजे लो फिर, बिल्कुल टायर के साथ रखो। हाँ एक मिनट भैया रख रहे हैं।
भैया ये वाला पत्थर उठाओ ना, ऐसे पत्थर चाहिए होते हैं यहाँ पे। ये वाला पत्थर लो, ये देखो ये मस्त है एकदम, बिल्कुल फिट है। ये निकालो, इसको रखो, इसको आगे जान दो, हाँ इसको भी रखो साथ में। जिसको सुजुकी विंच करेगी है, थोड़ा सा धक्का लगाए नहीं तो। निकल जी की धक्का मारा, रिकॉर्ड नहीं कर पाए। आराम से बिल्कुल, टायर लगेगा ठीक है, स्लिप नहीं हो, आराम से। नहीं नहीं वो खुली हुई है, ले अरे तो जोड़ी भी नहीं है। चाइनीज काम नहीं करेंगे भैया, जापानीज करेंगे। क्योंकि भाई हमारा पहला ऑफ रोड है ना, स्कॉर्पियो के साथ भैया पहला ऑफ रोड, पहला ऑफ रोड हमारा, और अभी गाड़ी कंप्लीट भी नहीं हुई, इसके लिए दम चाहिए, दम कंप्लीट गया। ये देखो ना भैया, रबड़ तक नहीं है बारियों में। लोग पहले पूरी कंप्लीट करते हैं, फिर रिवील करते हैं, फिर लेके आते हैं, हम आ जाते हैं भाई। हमने चेक करने वैसे ही आना था, तो मैंने कहा ग्रुप के सामने चेक किया जाए, ये तो वहीं आ गए हम। तो बस यहाँ से जाएंगे ऊपर और फिर आगे देखते हैं, आगे कोई ऑफ रोड फंस गई, वो बैठ गई। ऋषभ भाई यहाँ से ट्राई कर रहे हैं, बट गाड़ी यहाँ से बैठने का पूरा रिस्क है और रिवर्स मांग रहा है भाई। पीछे तो नहीं कोई, नहीं जान दो, गाड़ी थोड़ी सी पीछे क्योंकि गाड़ी वहाँ रुकती तो बैठ जाएगी, बट नहीं स्ट्रगल ले रही है। तो वहाँ से दोनों की रेस लग गई है, वो देखो क्या कर रहे हैं यार, ऐसा रिस्की रहता है, करना नहीं चाहिए वैसा। एक बंदे को निकलने देने चाहिए था, फिर करना था। चलो जी दो गाड़ियाँ आगे। तो जी थार भी चली गई, अभी सुजो, फिर उसके बाद अपनी बारी। तो भी बाकी सब निकल चुके हैं, तो हम यहाँ रुके थे, तो सबसे पहले अरुण भैया को थैंक यू आने के लिए, ठीक है। और इसकी कोई बात नहीं है, घर का आदमी है ये भी, घर का ही बंदा है, ठीक है। तो फिर भी थैंक यू आप सभी लोगों का, ठीक है। तो अभी निकलेंगे, अभी यह करो गाड़ी स्टार्ट, फटाफट चलेंगे घर। नहीं अभी चलाओ आप, मैंने चला ली, मज़ा ले लिया। तो आज का ब्लॉग यहीं करते हैं एंड, अगर आपको मज़ा आ रहा है और अच्छा लग रहा है कमेंट कीजिए, फुल सपोर्ट दिखाइए, और जिन भाइयों ने अभी सब्सक्राइब नहीं किया वो प्लीज़ पहले सब्सक्राइब कीजिए। तो कल मिलते हैं अपने नेक्स्ट ब्लॉग में, आज के लिए इतना ही बहुत है, अपने और अपनी फैमिली का ध्यान रखिए। ओके बाय बाय।